रायबरेली जिले के उजाहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उजाहर कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय सादिर चोरों के गैंग का खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। थाना उजाहर जनपद रायबरेली के बाबूगंज क्षेत्र में मार्च के महीने में 2 चोरियां हुई थी। आज एक सोनार की दुकान पर हुई थी और एक मोबाइल की दुकान पर थी। इस संबंध में इंस्पेक्टर उजाहर द्वारा लगातार चोरी को खोलने के लिए प्रयास किए गए और उनके द्वारा सर्विलांस और पुलिस की मजदूरी और अन्य साधनों का सहारा लेते हुए काफ़ी प्रयास किया गया। इसी बीच मजदूर खास की सूचना में उन्हें पता चला कि कस्बा उजाहर के पीछे की तरफ एक अंधेर है, वहाँ उसको इकट्ठा है और वहाँ पर इनके द्वारा जब छापा मारा गया तो चोरी की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम चंद्रेश लाल जी और अनुपम और सोहन लाल हैं। ये चारों के चारों बगल के जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और जब इनकी तलाशी दी गई, इनसे पूछताछ किया गया तो इनके पास से 36 मोबाइल जो बाबूगंज में चोरी के थे और बिल्कुल नए मोबाइल थे जो चोरी करके ले गए, 6 चांदी की पायल जो सोनार की दुकान से चोरी गई थी और 3 तमंचे और चोरी और जो सेन मारी के जो साधन होते हैं, संबल है, टार्च है, वो सभी चीज़ें इनके पास से मौजूद और इनको तत्काल हिरासत में लेकर तो न्यायिक अभिरक्षा में दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस खुलासे के लिए इस टीम के लिए 5,000 रुपये की घोषणा की। भैया, इनका पहले भी कोई इतिहास, आपराधिक इतिहास है? हाँ, ये इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जिसमें चंद्रेश जो है प्रतापगढ़ का जो रहने वाला है, इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं और अन्य पर भी 5 या 6 से मुकदमे सभी के ऊपर।